भारत में परिवहन में भूमि, जल और वायु द्वारा परिवहन शामिल है। सार्वजनिक परिवहन अधिकांश भारतीय नागरिकों के लिए सड़क परिवहन का प्राथमिक साधन है और भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में से हैं। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्ततम में से एक है, जो 2015 तक 8.225 अरब यात्रियों और सालाना 980 मिलियन टन से अधिक कार्गो का परिवहन करता है। 2020 तक भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्ततम रेल नेटवर्क है, जो सालाना 8.09 बिलियन यात्रियों और 1.20 बिलियन टन माल ढुलाई करता है। भारत में विमानन मोटे तौर पर सैन्य और नागरिक उड्डयन में विभाजित है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है। IATA डेटा। नदियों, नहरों, बैकवाटर और खाड़ियों के रूप में भारत का जलमार्ग नेटवर्क दुनिया का 9वां सबसे बड़ा जलमार्ग नेटवर्क है। भारत में जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई का उपयोग बहुत कम है। अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कुल माल ढुलाई टन किलोमीटर में भारत में कुल अंतर्देशीय यातायात का 0.1% है। कुल मिलाकर लगभग 21% घरों में दोपहिया वाहन है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 4.7% घर